Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. और आज हमारा टॉपिक है होशियार छोटी मछली. जी हाँ, ये है वो मछली. यह एक मोरल स्टोरी है और इस वीक की यह है स्टोरी. तो चलो देखते हैं इस मोरल स्टोरी में क्या किया है इस मछली ने. ठीक है, ओके. उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट funsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, टेक साइट टेकफ्रिक, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना. तो करते हैं आज की इस स्टोरी को. यस, होशियार मछली. ये देखो, यह है एक मछुआरा. एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर गया. उसने मछली पकड़ने हेतु जाल नदी में फेंका. कुछ देर बाद जाल में कुछ हलचल दिखाई दी. मछुआरे ने सोचा कि जाल में बहुत मछलियां फंसी है. देखते आगे क्या हुआ. जाल को पानी से बाहर निकाला, पर जाल में केवल एक छोटी सी ही मछली थी. वह नाराज हो गया. वह जैसे ही उस मछली को पकड़ने गया, मछली अचानक उससे बात करने लगी. अरे, ये तो अजीब है, बात करने वाली मछली. देखते उसने क्या बात की है उस मछुआरे से. छोटी मछली ने कहा, मैं आपसे विनती करती हूं कि मुझे जाने दिया जाए. मछुआरे ने मछली के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया. मछली मछुआरे से विनती कर रही अंत में बोली, मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकती हूँ यदि तुम मुझे फिर जल में छोड़ दोगे तो मैं सब मित्रों को तुम्हारे बारे में बता दूंगी. मछुआरे को बोला, ये क्या बताएगी. वो थोड़ा सोचने लगा, और उन सब को नदी के तट पर ले आऊंगी, फिर तुम्हें ढेर सारी मछलियां मिलेगी. अभी मछुआरे को थोड़ा सा सौदा अच्छा लगा, क्योंकि एक मछली के बदले में अगर ढेर सारी मछलियां मिल रही है तो सौदा अच्छा ही है ना. मछुआरा मन ही मन सोचने लगा, वाह, ये कोई बुरी बात नहीं है. अगर एक छोटी सी मछली के बदले में बहुत सारी मछलियां मिलने वाली हो तो खूब मजे होंगे. इसलिए मछुआरे ने उसको जाने देने का फैसला कर लिया. देखते हैं क्या बोला है मछुआरा. मछुआरा ने मछली को वापस नदी में जाने दिया. छोटी मछली खुशी से तैरकर नदी में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई. बेचारा मछुआरा वह अगले दिन इस उम्मीद से आया कि बहुत सारी मछलियां होगी, जैसे छोटी मछली ने कहा था. लेकिन वहां पे कोई नहीं था. मछली ने तो अपनी जान बचाने के लिए ये तरकीब अपनाई थी, लेकिन वह छोटी सी मछली बहुत चालाक थी. वह अपनी चतुराई से उसने मछुआरे से अपनी खुद की जान बचाई थी. है ना मजेदार कहानी. कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना. तो देखते हैं आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिली. क्या आप बता सकते हो बच्चों, आपको क्या सीख मिली है. चलो हम बता देते हैं, ये है कहानी की सीख. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपको अपने जीवन में ऐसे चुनौतीपूर्ण क्षणों से बचने के लिए चतुर रहना होगा, सावध रहना होगा, क्योंकि ऐसे मौके हमारी जिंदगी में बहुत बार आने वाले हैं, और उसके लिए हमें तैयार रहना है, अपना विचार पक्का करना है और खुद को मुसीबतों से बचाना है. तभी तो खुद को हम साबित कर पाएंगे, है ना. तो यह है आज की कहानी की ये सीख. कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और शेयर भी करना. चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो. तो मिलते हैं ऐसे ही प्रकार के नई मजेदार वीडियो के साथ विद मोरल स्टोरी, जिससे आपको मिलेगी कुछ नई सीख इस स्मार्ट स्कूल के साथ. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.